दोस्तों, एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर ओपन करके, जिसका नाम है एयरटेल थैंक्स। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है। जब आप ओपन कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। जब सेंड ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डाल देना है जो 4 अंकों का ओटीपी रहेगा। उसके बाद दोस्तों इस तरह का पेज खुल जाएगा जब आप क्लिक कीजिएगा। तो उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पर लोगों का ऑप्शन है, लोगों पर क्लिक कर देना है। जब आप लोगों पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो इस तरह का पेज खुल जाएगा। जो भी आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपना नाम डाले यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए पेमेंट सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा एयरटेल पेमेंट बैंक सेटिंग का, यहाँ पर क्लिक करना है। जब दोस्तों यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले यहाँ पर जो आईडी पर नाम है पैन कार्ड पर, यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी, पिन कोड, और दोस्तों नीचे आइएगा यहाँ पर सिलेक्ट आईडी प्रूफ का ऑप्शन है। तो यहाँ से आईडी प्रूफ सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पर आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर आपको डाल देना है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद नीचे आइएगा, कंटिन्यू का ऑप्शन है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट एम पिन का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एम पिन डाल देना है। उसके बाद कंफर्म एम पिन का ऑप्शन है। तो यहाँ पर कंफर्म एम पिन डालकर डन पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर फिर से आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 72 9 0 8 4 है, ठीक है। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैसेज मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ वॉलेट लिमिट का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, जो 9,000 रुपये का लिमिट रहेगा। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों फिर से एयरटेल जो थैंक्स एप्लीकेशन है ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए जो लोगो है, लोगो पर क्लिक करना है। जब आप लोगो पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर बैंक प्रोफाइल का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा इन योर वॉलेट, यानी जो आपका जो वॉलेट है एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि अकाउंट को ओपनिंग कैसे करना है। यहाँ पर देख सकते हैं अपग्रेड अकाउंट का ऑप्शन है, यहाँ से क्लिक करके आप अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अगले वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो लंबा होने की वजह से मैं 2 पार्ट में जो एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करने का सही तरीका बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के बताइएगा। चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।